नमस्कार दोस्तों, गांधी जयंती की शुभ शुभकामनाएं। और आज कई दिन के बाद ये वीडियो बनाने का मौका मिला और आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो में आज आप सीखेंगे चौथा अलंकार कैसे बजाना है और कैसे गाना है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रहे कि चाहे वो वोकल का स्वर हो, चाहे वो हारमोनियम का स्वर हो, स्वर एक ही होते हैं। किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना होइए। हम अगर सारे गामा पा इधर से बजाते हैं तो हमें सारे गामा पा यहाँ पर उतारने की ज़रूरत है। जब ये चीज़ें हमारे अंदर होंगी तो हम भी सिकंदर होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं चौथे अलंकार की। दोस्तों, आज का माहौल ऐसा है कि आज के जो हमारे भाई हैं उनके अंदर एक जल्दीबाजी बहुत है, जैसे कि मेरे अंदर भी बहुत हुआ करती थी। मैं तो इतना जल्दबाज था कि मैं तो ये कहता था कि सर, मैं कितने महीने में जल्दी से जल्दी सिंगर बन जाऊंगा, कितनी जल्दी गाना गा लूँगा। लेकिन सर जी कहा करते थे कि बेटा थोड़ा पेशेंस रखो। तब उस टाइम थोड़ा बुरा लगता था, सोचता था कि कैसा व्यक्ति मेरे को पेशेंस पेशेंस करके बट इतने महीने लगा दे रहा है मुझे। अब आप लोग आज से स्टार्ट, आज से क्या, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं तो वैसे अलंकार एक से स्टार्ट करना है। और जो मैं अलंकार आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अगर इन्हें आप करते रहेंगे तो बहुत से बेटा 100% पार होगा, ज़रूर होगा। क्योंकि हमें वैश्विक ज्ञान की बहुत ही ज़रूरत है और वो चीज़ें जल्दी जल्दी से कोई नहीं देता। आप क्या करते हैं, एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन महीने चलता है, मानते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति है उसे कम से कम मेरे मुताबिक लगभग कम से कम 3 महीने और 6 महीने का समय होना चाहिए वैश्विक रियाज करने का। और अच्छी तरीके से मन से अगर कोई बंदा करता है तो उम्मीद है कि वो ज़रूर से ज़रूर अच्छा गाना गा सकता है। अब ये नहीं है कि बस 2 दिन कर लिया तो बोल रहे हैं मैं सिंगर नहीं बन रहा, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो गॉड गिफ्टेड नहीं है। इसको करके, इसका तप करके ही आप अपने अंदर हुनर ला सकते हैं, कला ला सकते हैं। अब एक होते हैं गॉड गिफ्टेड जो ऊपर वाले की कृपा से उन्हें मिला होता है। अब अगर आप इसका तप करेंगे तभी ना आपके अंदर सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन लोगों को बोरिंग लगती है, लगेगी, मैं समझ सकता हूँ, बोरिंग लगेगी। ये भी एक आपका पढ़ाई लिखाई है, जैसे आप लोग डिग्री लेते हैं ना उसी प्रकार। देखिए, हमारा काम क्या है, मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम यहाँ डिग्री नहीं देता और ना यहाँ मैं ज़्यादा थ्योरिकल बताता। यहाँ पर जो अनुभव है और एक प्रैक्टिकल का जो तरीका है, जो आज के हमारे भाई हैं वो प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते रहते हैं, तो उनके लिए ये सब मैं सुविधा स्टार्ट किया हूँ। और कुछ स्टेप हैं जो थ्योरिकल में आते हैं, जो मैं आप आइए सीखते हैं अलंकार नंबर 4। अगर शुरुआती टाइम है आपका तो स्लो ही करना है और धीरे धीरे आपको स्पीड को बढ़ाना है। ये अलंकार नंबर 3 है, लेकिन मैं आप चौथा आपको बताने जा रहा हूं। अब आपको एकदम से स्पीड में नहीं भागना है, ये तो मैंने आपको हल्का फुल्का स्पीड में दिखाया है, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में वो किया है आपको इसी प्रकार धीरे धीरे करते रहना। कम से कम 15 दिन तक अच्छे तरीके से करिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे 10 से 11 स्टेप हैं जो आपको 6 महीने के अंदर पूरा करना होता है। एक स्टेप में कम से कम 10 से 15 दिन दीजिए और पेशेंस रख कर सीखिए। जहाँ पर आप सालों समय देते, कहते हैं कि 8 साल से सीख रहा हूँ, 5 साल से सीख रहा हूँ, अरे भाई जब आप सीखते ही नहीं हो तो सीखोगे कहाँ से। आप लोग रटन लगाते हो, तो रटन नहीं लगाना है, समझना है,
समझना है, क्या करना है, समझना है। समझने का मतलब होता है कि किसी चीज पर समय देना। तो ये आप थोड़ा सा समय दीजिए, अगर वाकई में कुछ चाहते हैं तो, नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, टाइम पास करते रहिए, मैं क्या बोलूँ उसमें। अब देखते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग उल्टे सीधे फोन कर करके बोलते हैं, वीडियो बनाना बंद कर दो। ये इतने बड़े अगर काबिल इंसान है तो क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं लोगों को सिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करना चाहता है तो वो भी करना गुना है हमारे इस देश में। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ये वीडियोस बनाना बंद कर दूं? आप लोगों से मुझे जवाब चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरे वीडियोज संगीत के लिए आगे कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कुछ फ़ोन से, कुछ कमेंट से। इस तरीके के लोग जो उल्टे सीधे काम करने वाले लोग, जो नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति किसी का भला कर सके, सब चाहते हैं कि सब गड्ढे में रहें। आप वो खुद में खुद गड्ढे में हैं, दूसरों को भी गड्ढे में डालने की कोशिश करते हैं। और आप लोग इतना प्यार देते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर कुछ चंद लोग हैं, 2% लोग, मुझे उनकी भी परवाह नहीं है। प्रॉब्लम इस बात की होती है कि जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है वीडियो से, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और रिस्पॉन्स आप लोगों को कैसे देना है वीडियो को, इतना आप समझदार हैं, बार बार मुझसे कहलवाना अच्छी बात नहीं। बस आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियोज के साथ। जय माता की। और बस हमारा माता का एक भक्ति भजन भी आ रहा है, आप लोग जरूर सुनना, पसंद आए तो उसे आगे जरूर भेजना। माता का भजन जल्दी से जल्दी वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा।